की तस्वीरें हैं कन्नौज के मतगणना स्थल की। आरोप ये है कि बीजेपी के समर्थक एक ओर से हल्ला काटते हुए आए और उन्होंने सपा प्रत्याशी के बेटे को दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसके बाद वो पुलिस के साथ भी भिड़ते नजर आए। घटनास्थल पर मौजूद हमारे सहयोगी नीरज ने पूरी जानकारी दी। कन्नौज के हम खड़े हैं मंडी नहीं नवीन मंडी समेत, जहां पर मतगणना इस समय चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले का एक वाकया है कि कुछ भाजपा कर्ता ये सामने गेट से जो है यहां से एंट्री करते हुए नारेबाजी करते हुए अंदर घुसे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस मौजूद रहे और कार्यकर्ता घुस करके और वहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर ये मतगणना चल रही थी मतगणना स्थल पर, वहाँ आकर के नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करते करते उन्होंने सीधे वहाँ पर जो बसपा प्रत्याशी थी कौसर जहाँ उनके पुत्र हरीम पर हमला कर दिया और उनको धक्का मुक्की करते हुए उनको भागने की कोई मतलब जो है उनको भागना पड़ा वहाँ से अपनी जान बचा करके। सबसे बड़ा सवाल ये था कि पुलिस उस समय भी मौजूद थी और मतगणना स्थल तक अगर ये भाजपा कार्यकर्ता आए तो ये आए कैसे, ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। जैसे ही ये बात जो है जब जिला के अधिकारियों को मालूम पड़ी तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये फोर्स मौजूद है, DM और SP यहाँ पर मौके पहुँचे हैं। और फिर उस बीच में मतगणना रोक दी गई थी, मतगणना रुकी रही, अब मतगणना फिर शुरू हुई है। यहाँ पर मतगणना का काम शुरू हो चुका है और जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ता जो है कि बिल्कुल मतलब जो है कि किसी प्रकार का बेखौफ होकर के, कोई उनके डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, मतलब जो है बेखौफ होकर के यहाँ पर अंदर एंट्री किए। वो अंदर एंट्री करते ही मतगणना स्थल पहुँच करके उन्होंने जो है नारेबाजी की और मारपीट की बसपा प्रत्याशी कौसर जहाँ के पुत्र हरीम के साथ में। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, UP तक।